2.4 के एक नए लेक्चर में आपका स्वागत है। चलिए देख लेते हैं दोस्तों, और साथ ही साथ जो हम इसमें पढ़ा रहे हैं आपके फर्स्ट चैप्टर से में, तो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों आपके पीडीएफ नोट्स मिलते चल रहे हैं। साथ ही साथ इसमें जो लेक्चर दिया जा रहा है आपको, इसमें भी बहुत जल्द ही पीडीएफ नोट्स मिलने वाले हैं। तो ये आपके लिए खुशखबरी होगी दोस्तों, आपको पढ़ने के लिए होगी। अगर जो न समझ में आता आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, और हमारे वीडियो को देख करके आप उसे नोट्स में जा करके आप नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। और फर्स्ट चैप्टर में आप जो बच्चे जो दोस्त हमारे पढ़ चुके हैं, फर्स्ट आप चैप्टर रियल नंबर्स पढ़ चुके हैं दोस्तों, उसमें आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करा दी गई है। तो आप जा करके उस लिंक पे जाइए और पीडीएफ आप प्राप्त कर लीजिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट में, आपका फर्स्ट स्टेप क्या कहा जा रहा है। इसके पहले हम रियल ऑफ नो सॉरी नेचर ऑफ रूट्स पढ़े थे, ये तो आपका इंट्रोडक्शन, हाँ नेचर ऑफ रूट्स इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब इसमें बात करेंगे फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसा कि आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी कहिए, या फिर इसे ब्रैकेट में डी भी लिख सकते हैं अपॉन टू ए, चाहे डी लिखिए या फिर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इट्स इक्वल टू। तो ये क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग आप नेचर ऑफ रूट्स ज्ञात कीजिए, उसकी कंडीशंस क्या होगी। इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, यदि जो है ये जो हम सॉल्व करेंगे आपके इक्वेशंस, यदि वो रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, फाइंड देम, उनको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम उनकी वैल्यू प्राप्त करेंगे। चलिए बात करते हैं फर्स्ट इक्वेशन आपका क्या कहा जा रहा है। 2x² - 3x + 5 = 0। एट फर्स्ट हम करेंगे क्या, इसमें सबसे पहले करना होता है इन जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग हम करेंगे, एज यू नो जनरल फॉर्म, व्हाट इज जनरल फॉर्म, ax² + ax + bx + c = 1। यही तो आपका होता है ax + by + c = 0, यही आपका जनरल फॉर्म होता है। अकॉर्डिंग टू हम ये तो जान ही चुके हैं, तो a इक्वल टू अब यहाँ से निकाल सकते हैं जनरल फॉर्म से, a = 2, b = -3, उसके बाद c = 5, 2x² - 3x + 5 = 0। ओके, अब नाउ बात करते हैं डी निकाल लेते हैं, d = b² - 4ac। इस कंडीशन सिर्फ रियल रूट्स ले आने के लिए, अगर वो रियल रूट्स ये एक्सेप्ट कर देता है, एग्जिस्ट हो जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम x की वैल्यू निकालेंगे। अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं है, d = b² - 4ac, b की वैल्यू -3 होल बाय -4 * a = 2 हुआ। सबसे पहले हम यही कंडीशन निकालेंगे, d की अगर निकल गई जो कंडीशंस आता है उसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। रियल रूट्स आता है तो इस क्वाड्रेटिक फार्मूला को हम लेकर के सॉल्व करेंगे, नहीं आता है तो उसका रीजन लिख करके हम वहीं पे छोड़ देते हैं, -4a, उसके बाद c की हो गई 5। अब ये माइनस माइनस प्लस ही होता है, 9 हो जाएगा, माइनस ये हुआ कितना हो जाएगा, 5 में 4 की मल्टीप्लाई 20 हुआ, 20 * 2 = 40। तो जब हम 9 में 40 सब्सट्रैक्ट करते हैं दोस्तों, आता कितना है -31। ऑलरेडी 31 आता है, साइन बड़ी है निगेटिव की, इसलिए ये हो सकता है। ये क्या रियल रूट्स है, नहीं, ये डी से, यानी कि यही कंडीशंस होती है इन विच डी की कंडीशंस। ऑलरेडी आप जानते हैं 0 से ये बहुत ज़्यादा छोटा है, डी की वैल्यू 0 से कम है, क्यों, क्योंकि ये निगेटिव में आया होगा, ये निगेटिव में आया, कोई रियल रूट्स तो कंडीशन हो नहीं रहा है। तो हम इसे लिखेंगे क्या, सो द गिवेन इक्वेशन, यानी कि जो ये इक्वेशन दिया जा रहा है, ये जो इक्वेशन दिया जा रहा है, सो द गिवेन इक्वेशन क्या कर रहा है, कोई रियल रूट्स नहीं है, तो हम लिख सकते हैं हैज नो रियल रूट्स, क्योंकि इसके पास कोई रियल रूट्स नहीं है। सो द गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, इफ दे एनी कंडीशंस आर डिस्टिंक्ट
इट्स इक्वल टू, यानी कि यदि कोई भी कंडीशन रखती हो, डिस्टेंस क्या होता है, रियल भी रहेगा एंड डिफरेंसेस भी रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट यानी डिस्टिंक्ट मतलब डिवाइड कर देना, उसे विभाजित कर देना, डिफरेंट एंड रियल रहता है तब भी वो कंडीशंस होगी एंड वो डबल इक्वल में रहता है, इक्वल टू जीरो के रहेगा तब भी कंडीशन, बट इसमें तो कोई कंडीशन हो नहीं रही है, सो द गिवन इक्वेशंस हैज नो रियल वैल्यूज। चलिए बात करते हैं आप सेकंड वाले, फर्स्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, अगर कोई भी दोस्तों प्रॉब्लम्स होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, और हाँ वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, ना पसंद आए तो एनी प्रॉब्लम्स, बट अगर आपको पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करें, क्योंकि इधर से वीडियो अपलोडेड हो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशंस पहुंच जाएंगे दोस्तों। चलिए बात करेंगे हम सेकंड वाले मेथड की, सेकंड क्या कंडीशन है, 3x² इक्वेशंस आपके चेंज रहेंगे बट वही सेम प्रोसेस रहेगा, 3x² - 403x + 4 = 0। अब इसमें ना लिख लेते हैं a = 3 b = -4√3, जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग हम डायरेक्टली कर दिए हैं c = 4। नाउ हम बात करते हैं d की वैल्यू निकाल लेते हैं, b² - 4ac आता है, b की वैल्यू -4√3² - 4 a की वैल्यू 3 × 4, ये हो जाता है 16 × 3, यानी बता √3 × √3 = 3, 4 × 4 = 16 एंड −(−) = +, तो ये 16 और 13 कितना हो जाएगा 48। ओके माइनस भी यहाँ क्या करेंगे, यहाँ भी 48 हो गया। अब नाउ डिनोमिनेटर डी की वैल्यू आपकी 0 आ गई, ये कौन सी कंडीशंस है, अब जानते हैं डिस्टिंक्ट की कंडीशंस, इक्वल की कंडीशन हो जाएगी, ये किस कंडीशंस हो जाएगा आपका, ये हो रहा है रियल एंड इक्वल, तो लिखेंगे यहाँ पे सो द इक्वेशन, सो द इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल बैलेंस में, यानी कि कौन सी है, इक्वल है, इक्वल रूट्स कहने का मेथड है, ये कौन सा प्रोसेस है, ये d = 0 का प्रोसेस है, d = 0 का प्रोसेस मतलब कि ये आपस में सो द इक्वेशंस हैज रियल एंड रियल भी है एंड इक्वल भी है। ओके यहाँ तक जवाब क्या आ गया, कंफर्म हो गया, रियल एंड जब इक्वल हो गया है, रियल जब एग्जिस्ट कर रहा है, तो नाउ हम सॉल्व कर लेते हैं किसके अकॉर्डिंग, x = -b + -√b² - 4ac / 2a, 4ac लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लिखेंगे क्या डायरेक्टली x = -b + -√d/2a, इतना क्वेश्चन हो गया। नाउ यहाँ पे चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं, तो x = -b की वैल्यू क्या हो जाएगी, फार्मूला अकॉर्डिंग यही है, ये हुआ आपका फार्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, b की वैल्यू यहाँ पे -4√3 है, एक सेकेंड ये देखिए माइनस पहले से ही है, ये देखिए b की वैल्यू -4√3 हो गई, फिर है आपका +-d की वैल्यू कितना है 0 है / 2 × a की वैल्यू 3, तो हम नाउ करेंगे x = जब इसको निकालेंगे तो हम -+ हो गया, 4√3 कुछ नहीं बचा, ये तो 0 ही हो गया, 2 × 3। अब नाउ हम इसे कर सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं ना, √3 × √3 = 3, तो इससे हम कटिंग करने के लिए कर सकते हैं, 4 हो जाएगा √3, 4 को भी डिवाइड अगर करना चाहे तो 2 से कर सकते हैं। ओके तो हम इसे कर लेंगे 2 × 2 = 4 हो गया, √3 ऑलरेडी है ही, इसे हम 2 × 3 को √3 × √3, 1 3 से √3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना x = 2/√3, ये कितना है 2/√3 प्लस में है, ये आपका पॉजिटिव में है, निगेटिव में तो है नहीं, तो हम लास्ट में लिखेंगे क्या, यहाँ थोड़ा सा मूव करेंगे, लास्ट में हम प्रोसेस लिखेंगे द रियल रूट्स आर
x equal to 2 by under root 3, क्योंकि आप जानते हैं ना क्वाड्रेटिक फार्मूला में डबल रियल रूट्स निकलते हैं, एंड x equal to 2 by under root 3, ओके an s। फर्स्ट वाले में तो कोई रूट्स नहीं था, ये रियल एंड इक्वल है, इसलिए हम जब एग्जिस्ट करता है, एक्सेप्ट करता है क्वाड्रेटिक फार्मूला को, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला के अकॉर्डिंग में से सॉल्व करके रियल रूट्स की वैल्यू निकाल लिए। चलिए बात करते हैं हम थर्ड पॉइंट की, फर्स्ट में ही आपको थर्ड पॉइंट मिलेंगे दोस्तों, अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट की। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा नोट डाउन कर लेते हैं, जो भी न समझ में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगर वीडियो पसंद आए तब भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कर सकते हैं, जिससे हमें भी ये होता है कि नहीं कितने बच्चे पढ़े हैं कितने नहीं पढ़े हैं, या फिर किसे पसंद आया है किसे नहीं, ऑलरेडी पर्सनली तो नहीं मालूम होता, बट ये जब आप कमेंट करते हैं तो ये लगता है हाँ ये बच्चे को समझ में आया है। चलिए बात करेंगे थर्ड पॉइंट पर, थर्ड आपको क्या कह रहा है, 2x² - 6x + 3 = 0। चलिए 2x² - 6x + 3 = 0, यहाँ की कंडीशंस आपको हो गई। अब नाम बात करते हैं, वही सिंपल प्रोसेस कर लेते हैं, a = 2 b = - 6 c = 3। नाम बात करेंगे d की वैल्यू, d = b² - 4ac, b कितना है -6 - 4 × a 2 है 3, इसे हम करेंगे 36 - 24। अगर इसी में हम 24 सब्ट्रैक्ट करते हैं 2 बच जाता है 12, कहने का मतलब ये कितना बच जाएगा 12 बचेगा, तो डिनोमिनेटर आपका 12 आया। ये क्या है, ये विच जो कि डी से बड़ा है, सॉरी डी बड़ा है 0 से, यही तो कंडीशन है, डी जो है बड़ा है 0 से, यहां तक आपको आ गया। कौन सी कंडीशन से, ये डिस्टिंक्स वाली कंडीशन होगी, ये कौन सी कंडीशन होगी डिस्टिंक्स, यहां पे लिखेंगे सो द गिवन इक्वेशन, सो द गिवन इक्वेशंस हैज रियल एंड डिफरेंट रूट्स, क्योंकि डिस्टिंक्स है, डिस्टिंक ने बताया विभाजित करना, डिफरेंट रूल सॉरी रूट्स, ओके। नाउ जब ये एग्जिस्ट कर रहा है भैया, ये रियल एंड डिफरेंट है, कहने का मतलब जब ये डिस्टिंक्स है तो एक्सेप्ट करता है हमारी सी बात, और जब हम एक्सेप्ट करता है तो हम नाउ लगा देते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, x = -b + -√b² नहीं लिखेंगे डायरेक्टली, b² - 4ac = d, d की वैल्यू हम जैसा कि निकाल चुके हैं 12 आ चुका है अपॉन 2a। नाउ कर लेते हैं x = b की वैल्यू 6 है, तो माइनस ऑलरेडी पहले से ही -6 + -d की वैल्यू 12 हुई अपॉन 2 × a की वैल्यू 2 है। अब हम इसे जब जो भी अगर निकल रहा है तो हम इसे क्या कर सकते हैं, जैसे 16 होता है अंडर रूट में, तो हम इसे 4 × 4 करके निकाल सकते हैं ना, 4 × 4 करके अंडर रूट 4 × 4 = 16, 4 निकल आता है डबल से। वैसे हम 12 का भी टेबल निकालते हैं, जब 12 का टेबल निकालेंगे ये देखिए यहाँ पे देख लेते हैं रफली वर्ग में, 2 से 6 times, फिर 2 3 times 3 × 2 × 2 × 3, हम लिख सकते हैं 6 + √2 × 2 × 3, इतना हो गया आपका अपॉन 2 × 2, कोई प्रॉब्लम, 6 + - कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए, अभी बहुत टाइम है, ओके। चलिए अब यहाँ 2 × 2 √2 × √2 = 2, ये तो निकल गया क्योंकि ये कपल में है 2, फिर अंडर रूट ये अकेले में है तो अंडर रूट 3 निकल आएगा बाहर, ये क्या प्रोसेस हो जाएगा 2 × 2, प्लस माइनस में अभी तो ऑलरेडी ये तो होगा नहीं, 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं नहीं कर सकते, यही इस दोनों में 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लिए 3 + √3 / 2 × 2, एक 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या x = 3 + √3 / 2, इतनी वैल्यू आ गई। अब नाउ रियल रूट्स एक बार प्लस में लिख सकते हैं, एक बार नाउ रियल रूट्स आर x = एक बार प्लस में लिख लेंगे 3 + √3/2 and 3 - √3/2, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, 3 - 3 √3/2 an। चलिए आपका खत्म हुआ,
फर्स्ट क्वेश्चंस के तीनों पार्ट्स यानी ऑल स्टेप्स आपके खत्म हुए। नाउ बात करते हैं इसी आपको लेक्चर में हम देने वाले हैं सेकंड के डबल पार्ट होंगे, यानी सेकंड क्वेश्चंस के डबल पार्ट होंगे। चलिए उसके बाद देख लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बट टाइम पे आप ये मत सोचिए टाइम लग रहा है या फिर नहीं, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ओके चलिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अगर जो भी ना समझ में आया कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। बहुत जल्दी इस चैप्टर्स के भी PDF आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आप जाके फर्स्ट वाले चैप्टर्स में दोस्तों आप रियल नंबर के नोट्स देख सकते हैं। चलिए अब इसकी शॉट ले लीजिए, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। हम जब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट के, दोस्तों देख लेते हैं फटाफट क्वेश्चन सेकंड। ये समझ में आया? यस, जो भी ना समझ में आए आप पूछ सकते हैं। ओके चलिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं, ये नहीं समझ पाया मेथड कैसे पूछे क्या कैसे, कुछ नहीं है ऐसे प्रॉब्लम्स, आप सब कुछ पूछ सकते हैं। अब ये रहे बात रहे क्वेश्चन सेकंड के। अब क्वेश्चन सेकंड में आपका फर्स्ट प्रोसेस देखेंगे। फर्स्ट प्रोसेस क्या कहा जा रहा है, पहले क्वेश्चन सिंपल लेते हैं कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच, इसमें है 2x² + kx + 3 = 0। थोड़ा सा अच्छे से बना लीजिए भैया इक्वल। ओके चलिए, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ k, इस k की वैल्यू हमें प्राप्त करनी होगी इस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये जो पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिए गए हैं सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स, जो कि पहले से ही दिया गया है कि ये इक्वल रूट्स होंगे। तो चलिए पहले हम निकालेंगे क्या, सेम वैसे प्रोसेस करेंगे इन जनरल फॉर्म ax² + bx + c = 0। ये हुआ इन जनरल मेथड, जनरल फॉर्म का ये या फिर मेथड का ये बात आपकी प्रोसेस एक ही होगी। वे है a इक्वल टू, हम नाउ इससे निकाल सकते हैं a की वैल्यू हुई b c, तो a की वैल्यू 2 हो गई, b इक्वल टू k एंड c इक्वल टू 3। नाउ हम प्रोसेस करेंगे वही सेम जैसे फर्स्ट वाले में किए थे, वही ये भी होगा d इक्वल टू b² - 4ac, b की वैल्यू k हो गया तो ये k स्क्वायर हो गया माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2 इंटू c की वैल्यू 3, तो k² 24, ये हो गया d की वैल्यू। नाउ ये तो d स्क्वायर तो कोई आ ही नहीं रहा, हमें k की वैल्यू प्राप्त करनी है। प्राप्त कैसे करेंगे, सो क्यों, इसलिए रीजन क्या दिया जाएगा आप उसे रीजन बताएंगे। सो यहाँ पे नहीं लिखेंगे, बट द गिवेन इक्वेशन, बट द गिवेन इक्वेशन, जो इक्वेशन दिया जा रहा है क्या है, विल हैव बट द गिवेन इक्वेशन विल हैव कैसा है, रियल एंड इक्वल रूट्स, क्योंकि क्वेश्चंस पे ये दिए जा रहे हैं। कहने का मतलब है दोस्तों d इक्वल टू कोई किसी के, ना तो d इज ग्रेटर देन 0, ना तो d इक्वल टू 0, ना तो d इज लेस देन 0, किसी की कंडीशन में आ रहा है नहीं, ये प्रोसेस बिल्कुल नहीं आ रहा है। आ कितना रहा k² - 24, वैल्यू किसके निकालनी है, उस भी टेकिंग टू वैल्यू k, k की वैल्यू जब हम लेंगे तो कंडीशंस क्या पहले से दिया गया क्वेश्चंस, बट द गिवन इक्वेशन जो इक्वेशन सारा दिया गया है विल हैव रियल एंड इक्वल रूट्स, ये रियल एंड इक्वल रूट्स ऑलरेडी है ही, और रियल एंड इक्वल रूट्स जब होते क्या है, इसकी कंडीशन क्या होती है, इफ d इक्वल टू 0, अगर d आपकी 0 हो जाती है तो वो इक्वल हो जाते हैं। तो नाउ हम कर सकते हैं, नाउ हम जानते हैं d कितना दिया गया है, k² - 4ac सॉरी 24, d स्क्वायर हम 0 कर सकते थे, तो अब करेंगे यहां पे d इक्वल टू जीरो, तो d की वैल्यू हम रख देंगे k² - 24 इक्वल टू 0। नाउ ये सॉल्व कर लेते हैं, k² इक्वल टू 24 हो गया, तो k इक्वल टू इसे कर सकते हैं प्लस माइनस अंडर रूट 24, कोई प्रॉब्लम, अगर वर्ग हटा यहाँ से तो वहां पे रूट लग गए, जब रूट लग गए 24 हो गया, तो नाउ हम 24 को लिख सकते हैं, 24 का टेबल निकाल लीजिए, 24 का ये देखिए टेबल निकाल लेंगे, सब प्रोसेस होता है, तो यहाँ पे 12 आ गया 6 3 एंड 3, मतलब ये हम नाउ यहाँ सॉल्व करेंगे k इक्वल टू प्लस माइनस, इसे हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 3, कितना कर सकते हैं, तो k इक्वल टू प्लस माइनस, ये देखिए कपल में है 2 निकल आया एंड 6 2 अंडर रूट 6, कोई प्रॉब्लम।
प्रॉब्लम्स प्लस माइनस टू अंडर रूट सिक्स, के की वैल्यू इतना आ गई। नाउ के इक्वल टू एक बार प्लस में हम लेके निकाल लेंगे टू अंडर रूट सिक्स एंड के इक्वल टू माइनस टू अंडर रूट सिक्स, क्योंकि डबल वैल्यू रियल रूट्स में लगते हैं तो के की वैल्यू एक प्लस माइनस में आए थे, एक प्लस में हो गए एक। आई गेस आपको एक प्रोसेस बहुत अच्छा लगा, वो सेम एक प्रोसेस नेचर ऑफ रूट्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिर्फ दो मेथड आप समझ लें, दो लेक्चर 10-10 मिनट का है या फिर थोड़ा ही जितने मिनट का आप समझ लेंगे, इससे ज़्यादा मिनट्स के नहीं होंगे, और आप उसे समझ लेंगे तो आप सारे इसके एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। चलिए हम रिमूव करते हैं, अब बात करते हैं सेकेंड वाले प्रोसेस की। सेम ऐसे उसमें भी निकालना होगा के की वैल्यू, क्योंकि ये क्वेश्चंस में ही कर दिया गया है कि के की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और उसमें पहले वाले में क्या करना होता था, जो फाइंड करना होता था वही हम लेट कर लेते हैं, डोंट वरी, वैसे भी प्रोसेस आने वाले हैं, बट अभी तो ये है पढ़िए। तो सेकंड वाला क्या है, के एक्स एक्स माइनस टू, के एक्स एक्स माइनस टू प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, ये मेथड आपका है। हम ना हम सॉल्व करेंगे इसे जनरल फॉर्म से बना लेंगे, तो के एक्स स्क्वायर इसमें ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस टू के एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, हो गया जनरल फॉर्म में। ए इक्वल टू के, बी इक्वल टू माइनस टू के एंड सी इक्वल टू सिक्स। नाउ बी इक्वल टू, सॉरी हम डी इक्वल टू निकाल लेंगे, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये तो मेथड ही है। बी की वैल्यू माइनस टू के होल वर्क माइनस माइनस फोर इंटू ए की वैल्यू के इंटू सिक्स, हम इसे कर सकते हैं फोर के स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फोर के, कितना आ गया डी की वैल्यू इतना आ गई। ना हम जानते हैं बट द गिवेन इक्वेशन विल हैव कौन सा प्रोसेस रखा ना रहा, बट द गिवेन इक्वेशन विल हैव रियल एंड इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स हैं क्योंकि क्वेश्चंस में क्या जा रहा है, इफ कंडीशंस क्या होगी, डी इक्वल टू जीरो, डी इक्वल टू जीरो होता है, डी की वैल्यू रख देते हैं, क्या है इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं, इसे रख देते हैं फोर के स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फोर के इक्वल टू जीरो। ना हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, इसमें हम फोर कॉमन ले लेते हैं, फोर के कॉमन ले लिए, बचा क्या के माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। ना यहाँ से प्रोसेस हम कर लेते हैं, एक तो फोर के इक्वल टू जीरो कर सकते हैं, तो के इक्वल टू जीरो बाई फोर, तो k इक्वल टू जीरो एक वैल्यू प्राप्त हो गई। एंड नेक्स्ट वाला क्या करेंगे, k माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, तो k इक्वल टू सिक्स डबल वैल्यू। नाउ रियल रूट्स आर, रियल रूट्स क्या है, k की वैल्यू k इक्वल टू जीरो एंड k इक्वल टू सिक्स, ये है। आई गेस आपको लेक्चर इसके साथ ले लीजिए, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। आई गेस आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा, कोई भी प्रॉब्लम्स होती है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों, और साथ ही साथ अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो आप एक लाइक जरूर कर सकते हैं। और हाँ एक बात और खास आपके लिए होगी दोस्तों, कुछ स्पेशल जल्द ही आपको, जैसे रियल नंबर्स में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं, वहाँ से जा करके जल्द ही इसके भी आप पीडीएफ नोट्स पा सकते हैं, अभी नहीं अभी थोड़े दो तीन दिन के अंदर ही आपको मिल जाएगी। ओके तो रियल नंबर्स जो आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर है उसमें आपको पीडीएफ नोट्स मिल चुके हैं, उसमें जा करके आप देख सकते हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तब भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, नेक्स्ट लेक्चर आपका रहेगा क्वेश्चन थ्री फोर एंड फाइव, सिर्फ इसी एक्सरसाइज 4.4 में बचा है उसमें हम सॉल्यूशंस आपको देंगे। थैंक यू दोस्तों।